हम सब इस मुल्क की मखसूस आबो हवा की वजह से बारिश को बहुत पसंद करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं हर हर तरीके से। लेकिन अगर कभी हम इस पर गौर करें कि बारिश बरस रही है, इसका कोई ताल्लुक इंसान की जिंदगी से है, कोई मुमासलत मौजूद है इंसान से, तो जब हम उस पर गौर करते हैं तो एक अजीब चीज सामने आती है। ये जो बारिश है ये एक साइकिल है मुसलसल। बादल हैं जो फिजाओं में हवा के दोष पर उड़ते फिरते हैं, हवा उन्हें उड़ाए उड़ाए फिरती है, बुलंदी है उन्हें, और इतने लतीफ हैं कि हवा के दोष पे आराम से तैरते रहते हैं। है वो पानी सबका सब, जब बरसते हैं तो वही बादल वही पानी जो इतनी बुलंदी पर हवा के दोष पर उड़ता फिरता है वो जमीन पे आन गिरता है। तो उस बुलंदी को पस्ती नसीब होती है, लेकिन वो पानी पस्ती में रहता नहीं है। सूरज की तपश उस पानी को फिर बुखारात में तब्दील करती है और वो बुखारात बन के फिर बुलंदी की तरफ चला जाता है और वहां जाके वो बादल की शक्ल इख्तियार करके फिर हवाओं पे उड़ता फिरता है। इंसान जमीन पर आने से पहले आलम अरवा में होता है जो बुलंदी पर है, आसमानों पर है। तो उसकी रूह उस बुलंदी से जमीन पर आती है, पस्ती की तरफ आती है। अब यहां आके इख्तियार उसका अपना है कि वो ऐश के दिन गुजार ले और यहीं का यहीं रह जाए, इसी पस्ती का शिकार हो जाए, या अपने आप को रब्ताला के दिए हुए निजाम और अहकामात के मुताबिक ढाल ले और वो बुलंदी हासिल कर ले जो फरिश्तों को भी नसीब नहीं, फरिश्तों से बुलंदतर हो जाए वो। तो जिस तरह पानी पस्ती पर आने के बाद फिर तपिश के जरिए से बुखारात में तब्दील होता है, तपता है, तो इसी तरह इंसान अगर इस दुनिया में आराम व आसाइश अपने लिए चुनने की बजाय मुजाहदे से गुजरे क्योंकि शरीयत पर अमल बाकायदा एक मुजाहदा है, तो वो मुजाहदे की आंच उसे फिर बुलंदी की तरफ ले जाएगी। तो इंसानी जिंदगी और बारिश में बड़ी गहरी मुमासलत है। मुझ जैसे कम फहम लोग ये समझते हैं कि ये जो हम यहां मुश्किलात का शिकार होते हैं
या हम चक्की में पिसते हैं, हम लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद मेरी पकड़ हो गई, मेरी आजमाइश हो गई। हम ये भूल जाते हैं, इसकी एक मिसाल मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरत दी थी कि चने भूनने वाली भट्टी पे बैठी चने भून रही थी, तो उसने चने सख्त गर्म रेत में डाले, तो जब उन चनों को तपिश मिली तो उन चनों ने भट्टी वाली से कहा कि तुम हमें आग में क्यों डाले हुए हो, हमें क्यों तपिश दे रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या कसूर किया जो हमें तुमने आग में डाल दिया। तो चने भुनने वाली ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें इस तपिश में डाल के पहले से ज्यादा लजीज बना रही हूं। जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को जब सजा देता है तो उस्ताद का मकसद ये नहीं होता कि वो अपने शागिर्द को कोई नुकसान पहुंचाए, कोई ईजा पहुंचाए, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि उसकी खामियों को वो निकाल बाहर करे किस तरह, ताकि मेरा शागिर्द एक अच्छा और काबिल इंसान बन जाए। ये जो हम दुनिया में मुश्किलात का शिकार होते हैं, हम सख्तियों को झेलते हैं, हालात के जबर को बर्दाश्त करते हैं, तो दर हकीकत ये आजमाइश नहीं होती हमारी, बल्कि रब ताला हमें उस भट्टी में से गुजारते हुए चने की तरह, जैसे भट्टी में डलने के बाद कच्चा चना भुनकर लजीज हो जाता है, तो हमें वो अच्छा बनाता है। ये असल में उसका प्यार है कि हमें उस भट्टी से गुजारता है वो, कि हम ये धोबी के पास आप सफेद कपड़ा भेजते हैं तो उन सफेद कपड़ों को भट्टी चढ़ा देता है, रंगीन को नहीं चढ़ाएगा कभी, ताकि वो पहले की तरह सफेद हो जाए, उसका मैल पूरी तरह निकल जाए, दाग धब्बे दूर हो जाए। तो इंसान उस भट्टी में डाला जाता है कि उसके अंदर की तमाम आलाइशें निकल जाए और वो एक बेहतर इंसान हो जाए। अगर ये बात न होती तो हम जरा सा भी अगर गौर कर लें तो पैगंबरों को ये जिंदगी अता न होती इस तरह की। कोई पैगंबर ऐसा नहीं जो मुश्किलात में ना जिंदा रहा हो। तो अगर ये कोई बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को और अपने महबूब बंदों को ये जिंदगी अता न करता है जी, मुश्किलात वाली, इसलिए कि रब के लिए क्या दुश्वार है कि किसी भी इंसान को वो आला तरीन पुरासाइश जिंदगी अता फरमा दे। उसके लिए तो कोई दुश्वार नहीं है, उसे तो सिर्फ एक ख्याल ही उसका करना है, उसका सोचना है और वो हो जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के इंतहाई महबूब
ऐसे महबूब की जिनकी मोहब्बत में दुनिया ये कायनात तखलीक हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा एक ऑप्शन मौजूद थी कि पुरासाई जिंदगी गुजार लें या एक सख्त जिंदगी गुजारें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्ट किया ऐसी जिंदगी को जिसमें बड़ी सख्ती थी। तो मेरे नजदीक तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि ये जिंदगी ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस जिंदगी के जिसमें, हालांकि जो नेमतें और जो माली वसाइल मादी वसाइल हासिल हैं वो भी रबी की अता करना है। लेकिन उन मादी वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हम सिर्फ एक सूरत में कर पाते हैं, अगर हम ये समझने लगे कि ये रब ही के अता करना है, ये मेरे नहीं है। क्योंकि ये कहना कि ये मेरा है यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर ये सब मेरा हो तो फिर ये मेरे साथ जाए, फिर यहां न रह जाए। ये सबसे बड़ा झूठ यही है कि ये मेरा है, नहीं ये रब का अता करदा है और इस पर मेरा उतना हक है जिससे मेरी जायज जरूरियात पूरी हो जाती हैं। इसी जिम्न में एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूं, मेरे नजदीक इंसान जो दुनिया में आया है अगर जिंदगी गुजारने का ढंग एक जुमले में कहना हो, एक फिक्रे में कहना हो, तो शायद मैं उसको इस तरह से अदा कर दूंगा कि इंसान इबादत करे अपने रब के लिए और जिंदा रहे दूसरों के लिए। मेरे नजदीक शायद वही बेहतरीन जिंदगी। ये किसी साहब ने सवाल भेजा है इस्लामाबाद से, मेरे नजदीक आप हमेशा मियां बीवी की शदीद अनबन और गैर मुताबिकत की सूरत में भी शादी को चलाने ही की बात करते हैं, भला एक फरीक इंतहाई ज्यादती करता हो और बे इंतहा किस्म की गैर अखलाकी इल्लतों में ही क्यों ना मुब्तला हो। आपका दुआ के दौरान पूछने पर भी शादी को चलाने का यही मशवरा होता है, क्या इसकी वजह से हमें एक ऐसे काम से बहरहाल दूर रखना है जो रब के नजदीक नहायत पसंदीदा है, या आपको दुआ में बेहतरी और कुछ उम्मीद दिखाई देती है और इसकी वजह से आप शादी को चलाने की बात करते हैं। देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने सवाल ही में दे दिया कि जिस चीज से रब ताला कराहत का इजहार करे, नापसंदीदगी का इजहार करे, उसको कोई इंसान किस तरह पसंदीदा करार दे दे। अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया कि आखिरी हद तक शादी को बचाने की चलाने की कोशिश करें। तो उसके किसी बंदे से आप पूछेंगे तो रब ही के अहकामात के तहत बात करेगा।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक किया जाए। ये जो आपके सवाल का एक हिस्सा है कि आपकी बेगम, किसी भी इंसान की बेगम साहिबा, खा इंतहाई ज्यादती करे, बे इंतहा किस्म के गैर अखलाक की अल्लतों ही में क्यों ना मुब्तला हो जाए, इसमें शायद हर आदमी मुझसे इख्तलाफ करेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि रोजे कयामत हम में से हर शख्स ने अपना अपना हिसाब देना है। हम में से हर शख्स अपने ही अमाल के लिए रब ताला के हजूर जवाबदेह होगा, रोजे महशर यौम हिसाब। और इस दुनिया में भी, ये मेरे तजर्बे की बात है इसलिए आखिर पर मैंने कहा कि इस दुनिया में भी। अगर किसी साहब की बेगम साहबा उनके साथ इंतहाई ज्यादती कर रही हैं और वो उस ज्यादती के जवाब में हुस्ने सलूक ही करता है, बंदा अपने हकूक अदा करता है 100% नहीं बल्कि उससे कहीं आगे जाके, तो क्या सिर्फ यही शुक्र करने के लिए काफी नहीं कि मैं रोजे हिसाब रब ताला के हजूर जवाबदेही से बच जाऊंगा इस मामले में, कि मुझे ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि ठीक है तुम्हारी बेगम तो जो कुछ करती थी वो करती थी, वो तो पूछ लिया जाएगा उससे, लेकिन तुम्हारे जिम्मे जो हकूक थे उसके, तुमने वो पूरे क्यों नहीं किए, तो उसका जवाब तो मुझे देना होगा। तो अगर कोई शख्स अपनी बीवी के हकूक 100% से आगे जाकर अदा करता है, वो एहसान के जिम्मे में चला जाता है, इतने हकूक अदा करता है कि वह एहसान के दर्जे तक चला जाता है, कि उस एहसान का सलूक करने लगता है, तो न सिर्फ ये कि जवाबदेही से बच गया बल्कि इनामात का हकदार हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने है कि बेगम ही क्या, किसी भी शख्स की ज्यादती का जवाब ज्यादती से नहीं दिया है। हम दावा ये करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार करते हैं, तो उस प्यार का तकाजा तो यह है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर लिया जाए। क्या हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ सलूक नहीं हमारे सामने? तो मैं तो वो बात कहता हूं जो सुन्नत है कि अपनी बीवियों के साथ उनकी तमाम तर ज्यादतियों, कोताहियों और तुंद बयानी इन सब चीजों के बावजूद उसने सलूक कर लिया जाए, तो उसका अजर दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिल जाएगा। एक सवाल सिदाम ने पूछा है कि 7 का अदद और 11 का अदद, इस पर रोशनी डाली जाए क्योंकि कुरान पाक में मुतअद्दिद बार इन अदाद का जिक्र है। मुसलमान इन किस्सों में नहीं पढ़ता है कि कौन सा अदद मेरे लिए साध है और कौन सा मनहूस है, अगर इस अदद के तहत मैं काम करूंगा तो वो काम कैसे रहेंगे। मुसलमान का तो तमाम तर भरोसा अपने रब पर है, लेकिन चूंकि आपने एक सवाल पूछ लिया तो मैं बतौर इल्म के तुम्हें अर्ज कर देता हूं आपसे, लेकिन इनके साध होने पर, इनके
इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होने पर ईमान नहीं है मेरा। रब जब चाहे किसी भी चीज के असरात को बदल के रख दे, एक सेकंड के हजारवें हिस्से का भी काम नहीं उसके लिए वो। ये सात का अदद आमतौर पर रूहानियत का अदद कहलाता है, और वो रूहानियत का अदद इसलिए कहलाता है कि ये तामीर का अदद है, और जैसे सात आसमान हैं, जमीन की सात तहें हैं, रोशनी के सात रंग हैं, तो ये इसको रूहानियत से मुतालिक कहा जाता है कि रूहानियत का नंबर है सात। और ग्यारह का अदद रब का अदद माना जाता है कि अल्लाह के अगर एदाद न्यूमरोलॉजी के तहत वर्कआउट किए जाएं तो वो ग्यारह बनेंगे, और इसीलिए ग्यारह के अदद को न्यूमरोलॉजी में वन प्लस वन के टू सिंगल डिजिट में नहीं लाया जाता, ये ग्यारह ही की सूरत में रहता है, इसको तोड़ा नहीं जाता कभी। और इसके बारे में एक चीज ये है कि जब हम ग्यारह लिखते हैं तो दो लाइनें मतवाजी लाइनें हम डालते हैं, तो ये हम सबको ज्योमेट्री का असूल मालूम है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो इन्फिनिटी कहलाती हैं, वो कहीं मिलती नहीं आपस में, इन्फिनिटी होती है, और रब ताला इन्फिनिटी है, लामतनाही है वो। और हजरत अली करम अल्लाह वजह के इसमें मुबारक के नाम भी ग्यारह ही बनते हैं, हरूफ ग्यारह ही बनते हैं, तो इनके पीछे ये। लेकिन इनको सिर्फ इल्म की हद तक तो सोचिए, लेकिन भरोसा रब पे कीजिए, ऐदाद पर भरोसा ना कीजिए। और यहाँ किसी वक्त शायद एक मैंने अर्ज की थी कि जिस तरह बाइबल पर और तोरा पर बड़ी रिसर्च हुई कि उन किताबों की, उन इल्हामी किताबों की तहरीर किस हरफ पर बैलेंस की गई है, बहुत से ज्यूज ने उस पर किताबें लिखी, गालबन तीन तीन किताबें तो मेरी नजर से गुजरी, इसे बाइबल पर बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई, तो उनकी देखा देखी कुछ लोगों ने रिसर्च की कुरान पाक पर भी। तो एक साहब अपनी लिखी हुई किताब मेरे पास लेके आए और उन्होंने कहा साहब कुरान पाक जो है वो इस हिंसे पर है, तो आप किसी आयत का टोटल कर लीजिए, किसी सूरा का टोटल कर लें, सब वही हरफ बनेगा, नंबर बनेगा। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए एक मेहरबानी और कर लीजिए, मेरे कहने से आप एक का अदद लेके उस पर कर लीजिए, जब वो मुकम्मल कर लें आप तो मुझे बताइएगा कि ये कुरान पाक क्या उसी पर बुनियाद नहीं उसकी, और जब वो कर चुके हैं तो फिर दो पर कर लीजिएगा, तीन पे कर लें, चार पे कर लें, तो एक से नौ तक जितने नंबर हैं उन पर तहकीक कीजिए, तो आपको हर नंबर यही लगेगा कि इसी पर कुरान पाक की बुनियाद है। इसलिए एक वो इलाही किताब है, रब का कलाम है, वो उसको आप किसी जाविये से भी देखेंगे वो मुकम्मल ही दिखाई देगी। इंसानी जहन उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकता, हम तो उसके छुपे हुए मायनों को नहीं देख पाते। भाई ये ऐसे सवाल जो मेरे बस के नहीं, मेरी इस्तादाद और सतह से कहीं बुलंद हैं,
वो मुझसे पूछेंगे तो मैं उससे पहलू तही करने की कोशिश करूंगा। ये वैसे ही फिर एक सवाल पूछ लिया। ये आपको कोई ऐसे साहब ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे जो उस तजर्बे से गुजरे हुए हों। मेरे बस के तो ये नहीं है। मैं तो इसके हरूफ अब्जद से भी वाकिफ नहीं हूं कि ये सवाल जो आपने पूछा इसका जवाब मैं क्या दे पाऊंगा। मेरा वास्ता इन चीजों से कभी पड़ता ही नहीं है जिंदगी में। ये सवाल किसी ने पूछा है कि किसी जगह पढ़ा था कि एक मुरीद सच्चे मुर्शद की तलाश में होता है और इसी तरह एक मुर्शद सच्चे मुरीद की तलाश में भी होता है। इन अल्फाज पे कुछ रोशनी डाल दी। भाई पहले तो एक काम कर लें कि मुझे कोई एक सच्चा मुर्शिद बता दीजिए कि वो वहां है तो मैं जाके उनको देख लूं। और फिर कोई मुरीद भी ढूंढ दीजिए। मैं तो बड़ा तलाश में रहता हूं कि कोई मुरीद मुझे मिले जो मुझे उठकर सलाम तो कर लिया करे। तो ये राह मेरे बस की नहीं है। ये तो इल्म वाले लोग आपको बता पाएंगे। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो उस मकाम पर आया कि वो मुर्शिद बन जाने का अहल हो जाए, बहुत बड़ा मकाम है वो। तो वहां तो बाकी सब तलाश खत्म हो जाती है, सिर्फ एक तलाश बाकी रहती है कि मेरा दोस्त मुझे कब मिलेगा। वो अपने दोस्त की तलाश में रहता है और उसका दोस्त रब है। तो जो मुर्शिद है, सच्चा मुर्शिद है, उस मकाम तक आया है तो वो तो मुरीद की क्यों तलाश करेगा? अगर मुरीद की तलाश करता है तो वो मुर्शिद नहीं है। फिर उस मकाम पर पहुंचने के लिए तो फना फी अल्लाह होना पड़ेगा उसे। तो फना फी अल्लाह हो जाने के बाद इंसान की तलाश बाकी ही नहीं रहती। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं और यकीन तौर पर यह गलत ख्याल होगा मेरा, क्योंकि मेरी ये राय ही नहीं है। ये तो इल्म वाले बताते हैं। सही है। हाँ, सच्चा मुरीद जरूर मुर्शिद की तलाश में रहता है, इसलिए कि वो सीकर है, वो मुतलाशी है, उसको इल्म चाहिए और इल्म उसे मिलेगा किसी सच्चे साहिबे इल्म से। साहिबे इल्म के अलावा उसे कोई वो इल्म दे नहीं सकता जिसकी तलाश है उसे। तो मुरीद तो सच्चे मुर्शिद की तलाश में हो सकता है। वो लॉजिक समझ में आती है मेरे, क्योंकि वो इल्म की पहली सीढ़ी पर पांव रखेगा तो रफ्ता रफ्ता ऊपर चढ़ेगा, फिर उस मकाम पर चला जाएगा कि जहां वो रब के तलाश में शुरू हो जाए कि मैं रब को ढूंढूं। जब वो रब की तलाश में निकलेगा तो वो इंसानों से बेगाना हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं अर्ज कर सकता। इनका अगला सवाल फिर वही उसी जगह ले गए। भाई कोई साहिब इल्म ऐसी बातें कर सकता है? मैं नहीं। कि ख्याल, इल्हाम, कश्फ, इन सब कैफियत में इंसान फर्क कैसे कर पाता है? उसको कैसे अदराक होता है कि ये ख्याल है, इल्हाम है या कश्फ है? भाई बड़ी सामने की बात है। मेरे सामने अगर किसी ने लकड़ी रखी है, ईंट रखी है, लोहे का एक पीस रखा है, तो मैं उन तीनों में कंफ्यूज नहीं कर सकता कि ये इनमें से लोहा, ईंट या लकड़ी ये कौन सी है। वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं क्लियरली उसको देख पाऊंगा कि ये लकड़ी है, ये
मिट्टी है और ये लोहा है। तो ख्याल की अपनी एक डेफिनेशन है, वो इंसान को पता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में, इसलिए कि वो कहीं उलझा, किसी चीज पर गौर करना शुरू किया उसने, तो उसके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद ये ऐसा है, ये ख्याल है। इसमें आप एक चीज भूल गए कि ख्याल के बाद रोया का मकाम आता है, कि वहां इंसान ख्वाब में देखने लगता है चीजें, और वो आमतौर पर सुबह फजर की नमाज से फौरन पहले या फजर की नमाज पढ़ के अगर इंसान सोया तो जब कोई चीज देखेगा वो, तो वो सच्चा होता है ख्वाब, वो रोया कहलाता है। तो जो चीजें आदमी आलम रोया में देखता है उसको रोया के नाम से हम जानते हैं। अलका उसके बाद आता है, इल्हाम उसके बाद आता है। इंसान किसी मसले में उलझा हुआ है, उसका सोल्यूशन रब ताला उसे अता कर देगा, दे देगा, वो इल्हाम है। वो गुमान नहीं पैदा होता, शायद वाली बात नहीं होती, वहां एक यकीनी बात होती है। और कश्फ, वहां तो बिल्कुल ही कोई धोखा नहीं खा सकता कि वो बिल्कुल इसी तरह इंसान चीजों को देख रहा होता है जैसे खुली आंखों से हम देखते हैं। तो ये कैफियत सारी की सारी अपनी अपनी एक अलहदा हैसियत लिए हुए हैं, वहां कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा कभी। तो जब आप अल्लाह ताला आप पे वो रहमतें नाजिल फरमाएगा कि आपको इन मकामात से गुजारे, तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, खुद इंसान को पता चल जाता है कि ये ख्याल पैदा हुआ मेरे दिल में, ये मैंने ख्वाब देखा है, ये सच्चा है या गलत है, ये इल्हाम हुआ और ये कश्फ है। इसलिए वो तो फिल्म की तरह देख रहा होता है इंसान, जैसे टीवी देखते हैं आप। सवाल है, जैसा कि बड़े शाह साहब ने आपको फरमाया था कि मुझे आपका चेहरा बहुत पहले दिखा दिया गया था, आपने मेरे पास आने में देर कर दी, मेरे पास जितना तुम्हारा हिस्सा था वो तुम्हें दे दिया, तो क्या हर मुर्शिद को अपने मुरीद का चेहरा इसी तरह दिखा दिया जाता है? वो इसी तरह अपने मुरीद को इस हिस्से को, भाई पहले मुझे मुर्शिद बना दें, मेरा भी भला हो जाएगा तो आपको भी सवालों के जवाब दे दूंगा मैं। अगर देखिए, एक रूहानियत के राह पर और इल्म की राह पर एक मैं अर्ज कर दूं, राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक क्लियर कट जवाब मिलेगा जिससे इंसान का इत्मीनान हो जाता है। जब अपने सवाल को, अपने ख्वाहिश को हम इल्मी सवाल का की शक्ल देकर पूछते हैं, तो जिससे सवाल पूछा गया है वो उसको इल्म के जिम्मे में लेके इल्मी जवाब अता कर देता है, वो इल्मी जवाब होता है, उससे आपकी तस्कीन नहीं होगी क्योंकि जानना कुछ और चाहते हैं आप। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि वो डायरेक्ट जवाब आए, उससे आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये मुझे सवाल बुरा नहीं लगा कतई तौर पर, मैं तो सिर्फ आपका भला चाहता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि एकदम से पता चल जाए। जिन साहिबान ने मुर्शिद की जगह लेनी होती है उनके दुनिया से चले जाने के बाद, आमतौर पर उन्हीं का चेहरा मुर्शिद के सामने आता है। ये सवाल है, क्या जवाब है आपके? अब इससे आपकी तसल्ली नहीं होगी, पूछना कुछ और आप चाहते हैं।
देखिए, किसी का चेहरा दिखाया गया हो या न दिखाया हो, किसी भी साहिबे इल्म को, जिस तरह मैं दुआ के लिए एक अर्ज करता हूं कि जब हम किसी से दुआ के लिए कह देते हैं, वो मजबूर है कि वो आपके लिए दुआ कर दे। इसलिए कि अगर वो दुआ नहीं करेगा तो रब की नजर में कंजूस कहलाएगा, बखील कहलाएगा, और बखील पर रब की लानत है। तो कोई शख्स अपने आप को बखील कहलाना पसंद नहीं करता, वो पाबंद है आप पर दुआ कर, आपकी दुआ फौरन कर देगा। इसी तरह जो साहिब इल्म है, रब ने उसको इल्म अता किया है, वो उसका अपना जाती नहीं है, उसकी मलकियत नहीं है। उसके पास जो इस नियत से आएगा कि उससे इल्म ले, वो उसको कश्फ के जरिए परख लेगा, तोल लेगा। तो इल्म देने में जो चीजें रुकावट बन रही होंगी, जो आदत रुकावट बन रही होंगी, वो उसको एडवाइस कर देगा कि पहले आप इन चीजों पर काबू पा लीजिए। जैसे एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मुझे बड़ी बुरी आदत है कि मैं गीबत करता रहता हूं बैठा। तो जब मैं अपने मुर्शद साहब के पास या साहिब इल्म के पास जाऊंगा, तो वो जब मुझे कुछ देने के लिए तैयार होंगे, तो मुझे पहले इल्म से तोल लेंगे और मुझे कहेंगे कि भाई एक काम कर लो, लोगों पर कमेंट न किया करो। अब ये तो नहीं कहेंगे कि गीबत न किया करो, क्योंकि दिल नहीं तोड़ेंगे कभी मेरा, लेकिन वो बड़े मुनासिब लफ्जों में कह देंगे कि लोगों के बारे में कमेंट न किया कीजिए। अगर गुस्सा आता है, गुस्से में मैं बरस पड़ता हूं लोगों पर, तो वो फरमा देंगे कि ये गुस्से पर काबू पा लीजिए, सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि गुस्से को पी जाया जाए। अब वो मुझे नहीं पता चलेगा कि दर हकीकत वो मुझे तैयार कर रहे हैं इल्म अता करने के लिए। तो वो साहिब नजर हैं, उनको मेरी असलियत नजर आ गई कि मैं कंजूस हूं, जो कि हूं मैं, तो फौरन मुझसे कह देंगे कि कंजूस रब के करीब नहीं हो सकता कभी। सखावत सुन्नत रब भी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप उस सुन्नत पे अमल क्या कीजिए। वो यूं कह के मुझे उस राह पे लगाएंगे। तो जब वो ग्राउंड तैयार हो जाएगी, वो मेरी अपनी हिम्मत है कि मैं कितनी जल्दी उन आदात पर काबू पा लूंगा। तो जब वो ये महसूस करेंगे कि मैंने इन आदात पर काबू पा लिया है, तो अब जमीन तैयार है कि वहां बीज डाल दिया जाए, फसल बोने के लिए जमीन तैयार हो गई है। तो फिर वो इल्म की कोई इब्तदाई चीज मुझे अता फरमा देंगे कि आप ये पढ़ा कीजिए। अब इस सिलसिले में दो तीन रवैये होते हैं। अगर कोई वाकई साहिब इल्म है, बड़े मकाम पर है इल्म के, या यूं कहिए कि उसके पास इल्म बहुत है, तो वो ये कहता है कि आप तलावत कलाम पाक किया कीजिए। इसलिए कि जब तलावत कलाम पाक इंसान करेगा कसरत के साथ, तो जमीन खुद ब खुद हमवार होती चली जाएगी, जमीन खुद ब खुद तैयार होती चली जाएगी इल्म की फसल बोने के लिए, और रब की मोहब्बत जागने लगती है कुरान पाक कसरत से तलावत करने से। तो वो बजाय इसके कि 20 चीजें बताए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उसके पास इल्म बेपनाह है। वो अपने इल्म के जोर पर जानता है कि मुख्तसर लफ्ज मैंने कैसे अदा करने हैं। तो वो एक काम कहता कि साहब आप कुरान पाक कसरत से पढ़ा कीजिए। अब सिर्फ कलाम पाक पढ़ने से क्या क्या चीजें हासिल हो गई। एक तो इंसान रब से गुफ्तगू करने लगा, क्योंकि कुरान का पढ़ना अल्लाह से हम कलाम होने के बराबर समझा जाता है। ये कहा जाता है, महावरत नहीं है कि इंसान रब से गुफ्तगू करता है, इसलिए कि ये उसका कलाम है, उसका फरमान है।
दूसरा तलाब ते कलाम पाक जितना कसरत से इंसान करता है रब ताला की मोहब्बत दिल में जागती है। तीसरा, इंसान बुराइयों से दूर होने लगता है, उसके अंदर पाकीजगी आने लगती है। तो एक ही चीज कर लेने से बहुत सी चीजें तैयार हो गई। उसके बाद वो फिर आपको पढ़ने को कुछ दे देगा कि तलावत कलाम पाक जारी रखिए, आप ये पढ़ लिया कीजिए। वो होती बड़ी मुख्तसर सी चीज है जो भी बताएगा, क्योंकि इंसान कितना बड़ा साहिब इल्म है, इल्म के किस मकाम पर फाइज है, वो इख्तसार से उसके इजहार हो जाता है। मुख्तसर गुफ्तगु साहिब इल्म ही कर सकता है, मुझ जैसा नाखानदा इंसान नहीं कर पाता। मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए आधे घंटे की तकरीर चाहिए, लेकिन जो बहुत बड़ा साहिब इल्म है कोई, वो एक जुमले में पूरी बात कह देगा आपको। ये इल्म का कमाल है। तो इस किस्से में ना पढ़िए कि चेहरा दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। साहिब इल्म ढूंढिए, उसके पास जाके बैठ जाइए, जो वो कहे आंखें बंद करके करना शुरू कर दीजिए। तो बजाय इसके कि वो आपके मुर्शिद को आपका चेहरा दिखाई दे, आपको दूसरों के चेहरे रब दिखाने लगेगा। कोह काफ, पहाड़ और कुरान पाक की सूरत काफ का कोई ताल्लुक है? बात यह है कि यहां शुरू में जब ये नशिस्त की इब्तिदा हुई थी तो हरूफ मक्तियात पर जिक्र यहां काफी बातचीत होती रही है हमारी, और मैंने अर्ज किया था कि वो 14 हैं और इन हरूफ से कुरान पाक की आयात की इब्तिदा हुई भी है। उसकी एक मसलियत है, उन सूरतों को उन आयात को पढ़ने से बहुत सी चीजें हासिल होती हैं। फिर हरूफ मक्तियात पर बड़ी डिटेल में जब यहां गुफ्तगू हुई तो मैंने अर्ज किया था कि हर हरफ 14 के 14 किसी एक पर्टिकुलर चीज को कमांड करते हैं, उसके हाकिम हैं, उसके इंचार्ज हैं। उस हरफ को पढ़ने से वो कुछ हासिल होता है। ये मैं नहीं बता पाया था क्योंकि उस पर पाबंदी है कि किस हरफ के पढ़ने से क्या हासिल होता है। जिन लोगों के इल्म में यह है कि ये हरूफ मक्तियात क्या क्या खेल खेल देते हैं और कायनात को चलाने में ये कहां कहां क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुंह खोलने पर राजी नहीं होते इस एस्पेक्ट पे। वो अपने किसी शागिर्द को अगर कोई हरफ पढ़ने को बता भी देंगे तो उसकी पूरी तफसील में नहीं जाएंगे, इतना तो कह देंगे कि ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसकी पूरी बैकग्राउंड एक्सप्लेन कभी नहीं करेंगे। तो ये हरूफ मक्तात में से है काफ। इसको न छेड़िए, ये संभाला नहीं जाएगा। अब ये किसी साहब ने, ये गालिबन रूहानियत की राह के मुसाफिर बनना चाह रहे हैं और जिन्नात से डर रहे हैं, कि हमने आपके लेक्चर में सुना है कि रूहानियत की राह की पहली स्टेज जिसमें इंसान को जिन्नात नजर आने लग जाते हैं, तो क्या इस राह का हर मुसाफिर स्टेज से गुजरना लाजमी है? हजूर आप डरिए नहीं, ये जिन्नात इंसान के ताबे होते हैं। तो जो आपका मातहत है वो आपको क्या कहेगा? ये तो हमने उनको अपने सर पे सवार किया हुआ है, वरना उन बेचारे जिन्नात की क्या मजाल है? साहिब इल्म के तो करीब से नहीं गुजरते, इतना खौफजदा होते हैं वो इनसे, इनके पास ही नहीं आते, भागते हैं, दूर भागते हैं।
और अगर कोई बहुत पावरफुल साहिब इल्म है तो वैसे ही जल के भस्म हो जाएंगे उनके सामने आने से। तो जिन्नात क्या बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं इस राह में, जब इंसान चलता है बहुत सी चीजें देखता है, क्योंकि इंसान जब इल्म के खास मकाम पर चला जाता है तो वहां जाके वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड होता है, वो वक्त और मकानियत का कैदी नहीं रहता, उसे आजाद हो जाता है। तो रब ताला उसे हजारों साल पहले और हजारों साल आइंदा आने वाले मामलात भी दिखा देता है अगर वो चाहता है तो, लेकिन दिखाता रब ही है। उस आदमी की अपनी कोई कुव्वत नहीं होती, इस गलतफहमी में ना पड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ रब के ताबे होती हैं चीजें। तो जिन्नात से मत डरिए, अगर कोई कभी आपको नजर आ जाए तो मेरा भी सलाम अर्ज कर दें उसे और उससे हाथ वाथ मिलाइए। ये बहुत किताबों में इस सवाल का जवाब लिखा है, इस पे तकरीबन हर इस्लामी किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के नाम पर जिन बच्चों के नाम होते हैं उनके साथ लिखे हुए नाम पर क्या किया जाना चाहिए, मामला अदब का है। तो जितना अदब ज़्यादा करेगा इंसान उतना फल पा जाता है, तो अदब कर लीजिए उन नामों का। हज़रत अली करमल्ला वजहू के फरमुदात पर मबनी किताब नहजुल बलागा पढ़ने का दिल चाहे तो आपकी राय में किसका लिखा हुआ तर्जमा पढ़ना चाहिए, किसी साहब का लिखे पढ़ लीजिए, अगर फ़र्क होगा तो बहुत ही मामूली होगा। तर्जमा एक्सप्लेनेशंस में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हर शख्स अपनी जहनी इस्तेदाद के मुताबिक उसकी एक्सप्लेनेशन देगा आपको, तो एक्सप्लेनेशन ना पढ़िए उसकी, जिसे हम उर्फ़े आम में तफसीर कहते हैं, तर्जमा पढ़ लीजिए, वो उसमें फ़र्क नहीं होता। दूसरा सवाल किया है कि आपके नज़दीक ज़िंदगी की क्या तारीफ है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ में इसकी तारीफ की जा सकती है, फ़िक्रा नहीं लफ्ज़, वह है तगैयुर। जब तक कहीं तगैयुर है वो चीज जिंदा है, और जहां उसमें सबात आ गया वो मौत है, सिर्फ मौत को सबात है। किसी ने सवाल पूछा है कि अगर एक नौजवान पढ़ा लिखा इंसान खुदकशी करने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाए, अगर वो बावजूद समझाने के भी बाज ना आए। मेरे ख्याल में समझाना किसी भी चीज का कोई हल नहीं है, ये तो पर्सनल एग्जाम्पल है जो असरअंदाज होती है इंसान पर। अगर हम खुद रब पे बेअंदाज भरोसा रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही पैरोकार हैं, तो रब ताला हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा कर देगा, खुद ही हो जाएंगी पैदा वो बगैर किसी एफर्ट के, कि जिंदगी से मायूस इंसान अगर आपके पास आया तो आपकी जिस्म से निकलने वाली वाइब्रेशंस उस पर खुद ब खुद असरअंदाज हो जाएंगी और वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जैसे मैं यहां कई बार मैंने जिक्र किया कि किसी फकीर को देखिए, वो वीराने में एक कुटिया में बैठा होगा, ऐसी कुटिया जिस पर जिससे न बारिश रुकती है न धूप पूरी तरह रुक पाती है, सोने के लिए उसके पास कोई ज्यादा अच्छा बंदोबस्त भी नहीं है, खाने को पूरी रोटी नहीं है, पहनने को पूरी तरह कपड़ा नहीं है, लेकिन वो बेअंदाज खुश है, न सिर्फ खुश है बल्कि बड़ा वेलकमिंग है। तो जब इंसान उससे मिलता है तो देखने सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये भी तो इंसान है, किस तरह खुश है इसी तरह।
तो मेरे पास तो फिर बहुत सी नेमतें हैं और मैं उनके बावजूद मायूसी की इस हद को हूं कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। तो अगर इंसान खुद अपने आप को उस सांचे में ढाले हुए है जो एक मुसलमान का है, तो उससे मिलने वाला इंसान मायूसी से खुद बहुत निकल आता बाहर। उसके पास 2 मिनट बैठेगा, मायूसी खुद बहुत चली जाएगी वहां से। ये कभी आप किसी साहिब इल्म से मिलके अंदाजा लगाइए, कितने ही ग्रिम मूड में हो आप, उससे मिलेंगे वो बेशक आपसे कोई हंस के बात ना करे, लेकिन उससे मिलकर जब उठ के जाएंगे तो बड़े खुश मूड में होंगे आप। ये उस कलाम इलाही का एजाज है जो जिसकी तलावत वो कर रहा है। तो समझाना तो कोई हल नहीं है।